So, hey guys, welcome to Vishnu Sir guys. आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने अपने Minecraft सर्वर में रैंक्स को ऐड कर सकते हो। यानी कि गाइस, अगर आप अपने सर्वर के ओनर हो तो आप जब भी चैट करो तो आपके नाम क्या आगे यहाँ पे ओनर लिख के आए, और अगर आप मॉडरेटर हो या फिर एडमिन हो या फिर आप मेंबर भी हो तो आपके सर्वर में जो भी यहाँ पे प्लेयर होंगे उनके नाम क्या आगे मेंबर, मॉडरेटर या फिर एडमिन या फिर ओनर, ये सब लिख के आए, यानी कि रैंक्स आपका दिखाए। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपने अटेंडेंस सर्वर में चले आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जल्दी से अपने प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ कुछ प्लगइन्स यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, जैसे कि चार प्लगइन यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देखोगे एसेंशियल एक्स है, तो आप यहाँ पे जाके वर्जन में 2.20.1 ये वाला एसेंशियल एक्स इसको डाउनलोड कर लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना एसेंशियल एक्स। जैसे ये टिक का मार्क आ जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे एसेंशियल एक्स चैट भी एक तो यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस आपको एसेंशियल एक्स चैट को यहाँ पे सर्च कर लेना है, और इसका भी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2.20.1 इसको भी आप इंस्टॉल कर लो। और इस तरीके से गाइस तीसरा वाला जो है लक बम्स वाला भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, इसका भी जो सबसे लेटेस्ट है 5.4.102 इसको भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। और गाइस फोर्थ वन है यहाँ पे वॉल्ट, इसका भी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये वाला, ये आपको इंस्टॉल कर लेना। इतना कुछ करने के बाद आपको अपने सर्वर को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना, यानी कि अगर आपका सर्वर बंद है तो उसको स्टार्ट कर लेना, और अगर पहले से चालू था तो उसको रीस्टार्ट कर लेना। और गाइस सर्वर स्टार्ट होते ही अपने सर्वर में आ जाना। और गाइस ये देखो हाई पिक्सल का अभी हमारा सीरीज चल रहा है, तो हाई पिक्सल से रिलेटेड अगर आप अपने सर्वर बनाना है जिसमें हाई पिक्सल का ढेर सारे यहाँ पे वर्ल्ड्स को मैं ऐड कर सके, जैसे कि वन ब्लॉक, बेड वार, सर्वाइवल, स्काई ब्लॉक और भी ढेर सारे यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ आगे आने वाले दिनों में। तो गाइस उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से आप जरूर उसको देख लेना और अपना भी एक हाई पिक्सल का सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ मजे करना। तो चलो गेम में आने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखने हैं। इसके लिए आपको जल्दी से यहाँ पे लिखना है /lp, उसके बाद क्रिएट ग्रुप आ जाएगा। क्रिएट ग्रुप लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, और अब आपको अपने ग्रुप यानी कि जो आप रैंक बनाना चाहते हो ना उसका नाम लिखना है, जैसे कि ओनर हो गया, मॉडरेटर हो गया, एडमिन हो गया, मेंबर हो गया, इस टाइप का आपको नाम देना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं ओनर बनाता हूँ, LP क्रिएट ग्रुप ओनर। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, तो आपका ओनर नाम का यहाँ पे एक रैंक बन चुका है। सेम इसी तरीके से अब आपको ओनर हटा के यहाँ पे अगर आप एडमिन लाना चाहते हो तो एडमिन लिख देना, और फिर एडमिन लिखने के बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और सेम उसी तरीके से अगर आप मॉडरेटर बनाना चाहते हो अपने सर्वर का किसी को, तो आप मॉडरेटर वाला भी रैंक यहाँ पे बना सकते हो। तो मॉडरेटर लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, तो मॉडरेटर का भी यहाँ पे बन चुका है रैंक। अब गाइस बात आती है कि यहाँ तो हमने ग्रुप बना दिया, रैंक बना दिया, बट यहाँ पे उसको प्रीफिक्स को भी हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ताकि वो रैंक हमारा किस टाइप का दिखे, किस कलर में दिखे और कैसा होने वाला है वो। तो चलो अब वो बनाते हैं। इसके लिए गाइस जल्दी से आपको लिखना है /lp स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे ग्रुप लिखने के बाद स्पेस देना, उसके बाद देखो कि आपने जितने सारे ग्रुप बनाए होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले ओनर का हम सेट करते हैं, तो ओनर पे हम क्लिक करना है, फिर यहाँ पे स्पेस देना है, फिर आप देखोगे यहाँ पे मेटा का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे मेटा लिखना है, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है सेट प्रीफिक्स, और अब आपको यहाँ पे लिखना है एंड, उसके बाद आपको कलर लिखना है, तो कलर कोड के लिए यहाँ पे ई लिख देते हैं, आपको ये वाला ब्रैकेट लगाना है, फिर से आपको यहाँ पे एंड लिखना है। अब आपका जो ओनर है वो किस कलर में दिखेगा उसका कलर कोड दे देना है, तो यहाँ पे मैं डी दे देता हूँ, फिर से आपको एंड लिखना है, फिर आपको एल लिखना है, और उसके बाद ओनर अपना लिख देना, फिर से आपको एंड लिखना है, फिर आप कलर कोड ई दे देना, और उसके बाद इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ध्यान से देखना गाइस, एलपी ग्रुप ओनर मेटा सेट प्रीफिक्स, उसके बाद ये कलर कोड्स है एंड ई, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ताकि ब्रैकेट के अंदर दिखे, फिर एंड, फिर डी, डी भी एक कलर कोड है, फिर ये एल, एल होता है मोटा के लिए, और यहाँ पे बोल्ड के लिए, और यहाँ पे ओनर लिख देना है, फिर यहाँ पे एंड लिख देना है, फिर ये ई, ई भी है कलर कोड के लिए। ई वाला जो देख रहे हो ना ये ब्रैकेट का कलर कौन सा होगा, और ये डी जो देख रहे हो ना ये ओनर का कौन सा कलर होगा ये सेट करता है। और गाइस अगर आपको कलर कोड्स नहीं पता है माइनक्राफ्ट के, तो बस यहाँ पे गूगल पे चले आना, यहाँ पे कलर कोड माइनक्राफ्ट लिखना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें से ये वाला वेबसाइट आप ओपन कर दोगे तो आप देखोगे लिस्ट ऑफ कलर्स में आपको सारा कलर का यहाँ पे दिख जाएगा कोड, जैसे कि गोल्ड का 6 है, येलो का ई है, डार्क ग्रीन का यहाँ पे 2 है, ग्रीन का यहाँ पे ए है, एक्वा का बी है, इस तरीके से आप देख लेना। और जो फॉर्मेट रहेगा जैसे बोल्ड के लिए एल है, स्ट्राइक थ्रू के लिए एम है, अंडरलाइन के लिए एन है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, तो आपका जो ओनर है उसका नाम यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो येलो कलर का ये आ गया ब्रैकेट, ये ओनर है, ये पिंक कलर का, ये पर्पल लाइट पर्पल कलर का आ गया, फिर यहाँ पे ये आ गया। सेम इसी तरीके गाइस फिर से उस वाले कमांड को लेके आना, और इस बार जो ओनर है इसको हटा के हमका जो एडमिन हमने बनाया था ना वो हमें यहाँ पे देना है। तो चलो एडमिन का मैं हम दे देते हैं, और इसका कलर जो है ब्रैकेट का कलर तो सेम रखते हैं, बस इसका जो कलर है उसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं बी दे देता हूँ, और अब आपको यहाँ पे अपना एडमिन लिख देना है, ये
लो गाइस हमने एडमिन का भी यहाँ पे दे दिया, उसका कलर कोड सभी कुछ लिख दिया, उसका कलर भी दे दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपका एडमिन का भी कलर यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसको मैंने एक्वा सेलेक्ट किया था, ओनर का ये बन गया, ये एडमिन का बन गया। तो अब चलो मॉडरेटर और अपने मेंबर्स का भी यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको लेके आना है और यहाँ पे आने के बाद इस वाले एडमिन को आप हटा देना, उसके बाद मॉडरेटर को आप सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे कलर कोड जो है मॉडरेटर का हम एक काम करते हैं रेड रखते हैं, तो रेड के लिए सी होता है, तो सी करके आप यहाँ पे मॉडरेटर आप यहाँ पे लिख देना। तो ये लो गाइस मॉडरेटर मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे फिर से इंटर कर देना। तो ये लो आपका मॉडरेटर का भी यहाँ पे कलर सेट हो गया, ओनर का हो गया, एडमिन का हो गया, मॉडरेटर का भी हो गया, अब सिर्फ मेंबर का बचा हुआ है। तो मेंबर के लिए गाइस यहाँ पे मेंबर के लिए तो मैंने अलग से ग्रुप नहीं बनाया था ना, लेकिन जो डिफॉल्ट वाला होता है ना वही आपका मेंबर का होता है। तो चलिए वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो उसके लिए सेम उसी तरीके से कमांड को फिर से लेके आना, यहाँ पे आप जाओगे फिर इसको आप डिलीट करोगे मॉडरेटर यहाँ से, फिर आप देखो ना डिफॉल्ट का आएगा। डिफॉल्ट मतलब होता है जो नए प्लेयर ज्वाइन किया यानी कि मेंबर जो वो डिफॉल्ट में आते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, आपको यहाँ पे सी की जगह जो हमने रेड रखा था उसको हटा के और यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं मेंबर के लिए। तो ग्रीन के लिए आपको ए लिखना है और उसके बाद यहाँ पे मॉडरेटर जो आपने लिखा था ना इसके जगह आपको यहाँ पे मेंबर लिख देना है गाइस। तो मेंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये लो गाइस मेंबर का भी हमारा कलर कोड आ चुका है, ओनर का आ गया, एडमिन का, मॉडरेटर का, मेंबर का, सभी का यहाँ पे हमने बना दिया है। अब गाइस बात आती है कि आपको तो उस रैंक को किसी को देना भी तो पड़ेगा ना, तो अब हम बताते हैं कि आपको कैसे आप रैंक को किसी को भी आप दे सकते हो। तो इसके लिए आपको कमांड लिखना है /LP उसके बाद स्पेस देना, उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर लिखना है, यूजर आ जाएगा, उसके बाद स्पेस देना, उसके बाद जो प्लेयर्स जिसको आपको देना है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पे पेरेंट लिखना है, फिर स्पेस देना है और फिर सेट लिखना है, फिर स्पेस देना है। और अब आप इस प्लेयर को यानी कि ये वाला विष्णु प्लेयर इसको आपको क्या बनाना है, तो यहाँ पे मैं ही हूँ तो ओनर बना देता हूँ, ओनर लिख के आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये लो गाइस मेरा यहाँ पे ओनर सेट हो चुका है। जैसे देखो मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूंगा और फिर एंटर करूंगा तो देखो मेरे नाम के आगे यहाँ पे ओनर लिख के आ रहा है, ओनर बिजनेस, उसके बाद अपना जो भी मैंने टाइप किया वो दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसका रैंक चेंज करना चाहूं तो आप रैंक बाद में चेंज भी कर सकते हो। जैसे मॉडरेटर देना है तो मॉडरेटर देके आप एंटर करोगे, तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो ये देखो मेरे नाम के आगे यहाँ पे मॉडरेटर दिखा रहा है, ये देखो मॉडरेटर। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको एडमिन बनाना है तो एडमिन लिखो, फिर यहाँ पे एंटर करो और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो यहाँ पे देखो मेरे नाम के आगे एडमिन दिखाएगा। सेम उसी तरीके से आपको मेंबर भी दिखेगा, जैसे देखो यहाँ पे मेंबर का भी मैं कर देता हूँ, तो डिफॉल्ट वाला मैंने बोला था ना मेंबर होता है, डिफॉल्ट वाले क्लिक करो और यहाँ पे एंटर कर दो। तो ये देखो गाइस अब आप कुछ भी लिखोगे तो आपके नाम के आगे यहाँ पे मेंबर दिखाएगा। यहाँ तक तो मैंने रैंक बना लिया और प्लेयर को अपना रैंक भी दे दिया, लेकिन उस रैंक में कुछ परमिशन भी तो चाहिए होंगे ना, जैसे ओनर के पास कुछ एक्स्ट्रा परमिशन है, मॉडरेटर के पास कुछ ज्यादा है, एडमिन के पास कुछ ज्यादा है, मेंबर के पास कुछ कम है, ऐसा अब यहाँ पे हम परमिशन भी बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा /LP उसके बाद एडिटर, ये करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो ये देखो गाइस आपको एक लिंक आ जाएगा, इस वाले लिंक पे आप क्लिक करना, फिर यस पे आप क्लिक कर देना, तो आपका यहाँ पे लक पम्प वाला ओपन हो जाएगा, इसको कट कर देना। और गाइस मैंने लक पम्प को कैसे यूज करना है, कैसे सब कुछ करना है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, ये वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा, जाके वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे आओगे गाइस तो ग्रुप्स में देखोगे तो आपने जो जो यहाँ पे बनाए हुए हैं ग्रुप्स सभी कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे एडमिन का, मॉडरेटर का, ओनर का। तो गाइस सबसे पहले काम करते हैं, जो हमारे डिफॉल्ट यानी कि मेंबर्स के पास जो परमिशन है वही सारा परमिशन पहले तो इनके पास भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इनका डिफॉल्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे सेलेक्ट करना, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कॉपी करना है, ये देखो इस तरीके से कॉपी करना है, और उसके बाद आपको इसमें किसमें देना है, तो एडमिन में देना है, मॉडरेटर में देना है, ओनर में देना है, ये सभी में देना है, फिर आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो ये देखो गाइस सभी में कॉपी हो चुका है, लेकिन गाइस अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट में देखोगे तो यहाँ पे मेंबर के पास जो परमिशन है वही अब हमारे एडमिन के पास भी ये वाला भी चला जाएगा। तो अगर आप किसी भी प्लेयर को अपना यहाँ पे रैंक देते हो ना तो उसके पास ये वाला रैंक जाता नहीं है इसी वाले का कारण। तो ये काम करना, जो मेंबर के पास सबसे नीचे वाला है प्रीफिक्स मेंबर्स वाला, उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है। तो उसके लिए बस एडमिन पे क्लिक करना, एकदम नीचे चले आना, तो यहाँ पे मेंबर वाला दिखेगा, इस पे सेलेक्ट करना और इसको डिलीट कर देना। सेम उसी तरीके से मॉडरेटर में जाना, एकदम नीचे जाना, इसको क्लिक करना, यहाँ से डिलीट करके इसको भी डिलीट कर देना। और सेम उसी तरीके से ओनर में जाना, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे डिलीट कर देना। और गाइस अगर आप ओनर को या फिर मॉडरेटर या फिर एडमिन को कुछ एक्स्ट्रा परमिशन देना चाहते हो तो उसके लिए बस यहाँ नीचे जाना, एड परमिशन में जाना और यहाँ से जो भी आपको परमिशन देना उसको सेलेक्ट करके इंटर पे क्लिक करके यहाँ पे एड कर देना इस वाले आइकन पे। इतना कुछ करने के बाद आपको जो मेरा फेस कैम उसके नीचे दिखेगा सेव का ऑप्शन, तो बस आप सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के आपको एक लिंक आएगा, इस पे आपको
क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। फिर आपको गेम पे जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे एंटर कर देना। तो आपने जितना भी कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं सभी कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सभी कुछ यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब गाइस बात आती है कि अगर आप पॉकेट एडिशन प्लेयर को रैंक देने की कोशिश करोगे तो वो आप रैंक नहीं दे पाते हो, वहाँ पे उसका रैंक लेता ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे गाइस इसको मैं रैंक देने की कोशिश करूंगा तो एलपी उसके बाद यूजर लिखूंगा, यूजर उसके बाद ये वाले आईडी को मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे पेरेंट लिख के फिर यहाँ पे सेट लिख के उसके बाद कुछ भी इसको रैंक देने की कोशिश करूंगा। जैसे इसको मैं मॉडरेटर बनाना चाहता हूँ तो मॉडरेटर लिख के मैं एंटर करूंगा। तो आप देखोगे VSN प्लेस इज नॉट अ वैलिड यूजर नेम, यानी कि ये यूजर नेम वैलिड नहीं है, ऐसा ये एरर आता है। यानी कि आप पॉकेट एडिशन प्लेयर को जो पॉकेट एडिशन ज्वाइन की जिसके नाम क्या यहाँ पे डॉट लिखा रहता है उनको आप रैंक नहीं दे सकते। तो चलो आप इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सर्वर में चले आना है, उसके बाद आपको फाइल्स में आना है, फाइल्स ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है, प्लगइन्स में आपको क्लिक कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है लक पम्प्स वाले में। तो ये देखो लक पम्प्स वाला यहाँ पे फोल्डर है, इस पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कॉन्फिग फाइल डॉट YML लिखा रहेगा उस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको कुछ ऐसा सा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आप नंबर से देख रहे हो ना इसमें आपको 692 पे चले आना है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं स्क्रॉल करके यहाँ पे 692 पे चले आता हूँ। तो ये देखो 692 पे आने के बाद यहाँ पे अलाउ इनवैलिड यूजर नेम यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, तो इसको आपको बस इसको आपको हटाना है और यहाँ पे आपको ट्रू कर देना है। ये ट्रू करने के बाद याद रखना हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे भी हो, लेकिन ये देख लेना अलाउ इनवैलिड यूजर नेम यहाँ पे आप फॉल्स रहेगा, उसको आप ट्रू कर देना। ट्रू करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने गेम पे चले आना है और यहाँ पे आपको कमांड लिखना है लकपम्स। लकपम्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे रीलोड करके आएगा, रीलोड कॉन्फिग यानी कि स्लैश लकपम्स रीलोड कॉन्फिग ये आएगा, ये करके आपको इंटर कर देना है। जो आपको जो फाइल है वो यहाँ पे गेम में भी इफेक्ट हो जाएगा। अब देखना इस वाले जो पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर को अगर मैं रोल देने की कोशिश करूंगा तो ये देखना अब यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। जैसे इसको मैं मॉडरेटर बनना चाहता हूँ, ये देखो VSN प्लेस वाला यहाँ पे मॉडरेटर बनना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो ये देखो ये मॉडरेटर बन चुका है। अब अगर मैं पॉकेट एडिशन वाले से कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा तो ये देखो VSN प्लेस वाले यहाँ पे मॉडरेटर यहाँ पे दिखाने लगा है, यानी कि मैं अपने पॉकेट एडिशन वाले प्लेयर्स को भी अब यहाँ पे रैंक दे सकता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप अपने सर्वर में रैंक्स बना सकते हो और अपने दोस्तों को जो भी आपके प्लेयर्स उनको अलग अलग रैंक यहाँ पे दे सकते हो। और हाँ गाइस ये मैं बता दूं कि कोई भी प्लेयर अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे ज्वाइन होता है डिफॉल्ट पे तो उसको ऑटोमेटिक आपको मेंबर का यहाँ पे रोल मिल जाता है। और हाँ गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो सिर्फ नाम ऊपर दिख रहा है ना इसका वाला रैंक नहीं दिख रहा है, तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा इसका रैंक भी इसका सर के ऊपर कैसे दिखेगा और नाम भी कैसे दिखेगा। तो यार इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह और भी मस्त मस्त वीडियोस देखने के लिए। और हाई पिक्सल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे हाई पिक्सल का जो आपको प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा, जाके उसको पूरा देखना एक एक अच्छे से। और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मैं मिलता हूँ कमाल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।